राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजित एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के हैं 17 अप्रैल 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, गाने वाले फाजिलपुरिया हरियाणा के गुरुग्राम से लड़ेंगे चुनाव। हिसार में होगा चौटाला वर्सेज चौटाला वर्सेज चौटाला, रंजीत और नैना मैदान में, सुनैना की भी मजबूत दावेदारी। बाबा साहब की जयंती पर एमडीओ में हंगामा, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम स्थगित। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, निर्मल कुटिया गुरुद्वारे में टेका माथा, दिया धार्मिक संदेश। भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह व अशोक तंवर से सवाल पूछने आए किसान, नहीं मिले तो किया विरोध। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा जेलों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, हरियाणा से सीखे पंजाब सरकार। सब्जी मंडी की तरह कांग्रेस में टिकट के मोल भाव, विज। संस्कृति स्कूलों में 20 तक होंगे दाखिले, नए वोट बनवा सकते हैं 26 तक। टीम ने खेतों में जाकर किया औसत पैदावार का आकलन। हर खंड के 2 गांव में चलेगा पानी बचाओ अभियान, विभागीय टीम गठित। छठी हरियाणा स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जगदीप ने जीता स्वर्ण पदक। मूल्यांकन केंद्रों का बोर्ड अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। जिला स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता 21 को। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में बनेंगे 4 मतदान केंद्र, अधिसूचना जारी। जेजेपी ने राहुल फाजिलपुरिया को बनाया लोकसभा उम्मीदवार। सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी के लोग भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत मान रहे हैं, ईडी सीबीआई के हाथ एक भी ठोस सबूत नहीं। भाजपा के पूर्व सांसद विजय सापला ने एक्स से हटाया मोदी का परिवार, टिकट कटने पर अलग हो सकती हैं राहें। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने जारी की 5 प्रत्याशियों की पहली सूची, हिसार से लड़ेगी नैना चौटाला। सरकार की लापरवाही से मंडियों में खराब हुई किसानों की फसलें, अभय चौटाला। कांग्रेस सब कमेटी का होमवर्क पूरा, 9 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची तैयार, हाईकमान देगा हरी झंडी। राजस्थान ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया, बटलर ने ठोका शतक। पॉइंट टेबल में राजस्थान सबसे ऊपर, आरसीबी सबसे नीचे। यूपीएससी में आदित्य ने हासिल किया टॉप 1, टॉप 10 में 6 महिलाओं ने बनाई जगह। सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा का परिणाम जारी। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।